अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया तो आप एनिमेशन को भूल जाओ। डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैंने बनाई है तो क्या यार, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी की भी ऐसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिक्वायरमेंट्स, तो सबसे पहले एनिमेशन के लिए क्या चाहिए वो जान लेते हैं। ड्रॉइंग स्किल्स, तो एनिमेशन की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको ठीक ठाक ड्राइंग बनानी आनी चाहिए, क्योंकि एनिमेशन में आपको फ्रेम वाइज बार बार ड्रॉ करना पड़ता है टू मेक इट इन प्रॉपर मोशन। तो एनिमेशन ड्राइंग आप दो तरीके से कर सकते हो, डिजिटली एंड ऑन पेपर। तो ऑन पेपर ड्राइंग तो सबने की ही होगी, एडवांस लेवल ना भी की होगी पर ये ड्राइंग तो सबने बनाई ही होगी। और डिजिटल ड्राइंग जो आप पीसी पे माउस की हेल्प से ड्रॉ करते हो, अगर आपको डिजिटल ड्राइंग आती हो या ना आती हो, लेकिन हैंड रिटन ड्राइंग आपको आनी ही चाहिए। और जिसे ड्राइंग करना नहीं आता वो पहले ड्राइंग सीखे, बाद में एनिमेशन सीखे। क्रिएटिवनेस, तो सिर्फ ड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा, वो आपकी क्रिएटिवनेस और आपके थॉट्स, आपकी स्टोरी टेलिंग, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी बढ़िया एनिमेशन बना सकते हो। अगर आप क्रिएटिव ना भी हो फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक्सपीरियंस से आप अपने आप ही क्रिएटिव बन जाओगे। डेडिकेशन, तो एनिमेशन कोई मजाक नहीं है कि हर कोई कर सके। अगर आप उस काम के लिए डेडिकेटेड हो तो आप अपने आप वो काम सीखने लग जाओगे। अगर आपका मोटिव कुछ और है जो हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे तो एनिमेशन को भूल जाओ। तो ये तो हुई रिक्वायरमेंट्स। अब हम इस वीडियो के सेकंड सेक्शन में आते हैं कि आप एनिमेशन के लायक हो या नहीं। रॉन्ग कैरियर, अगर आप टाइम पास के लिए एनिमेशन करते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है और आपको एनिमेशन एज ए कैरियर बनाना है तो आप एनिमेशन को भूल जाओ, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, आप अपना कैरियर बना रहे हो। और अगर एनिमेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक ड्राइंग, क्रिएटिवनेस एंड डेडिकेशन पूरी नहीं है तो आप एनिमेशन क्यों करना चाहते हो? आप खुद से एक बार सोचो कि लोग इतनी मेहनत से एनिमेशन बनाते हैं, महीने महीनों तक उनका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, इतना टाइम एंड एफर्ट लगता है और आप सोचते हो कि हम उससे अपना कैरियर बना लेंगे। अब आप बोलोगे मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, तो सुनो, मेरे बोलने से या फिर किसी के भी बोलने से अगर आप अपने गोल को करने में डिमोटिवेटेड होते हो तो वो आपका गोल है ही नहीं, बस आपके अंदर की एक चुल है। ग्रोइंग डेड, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या तुमने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी? तो कोई नहीं यार, इस वीडियो के बाद वो जरूर देख लेना। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि जो लोग यूट्यूब पे बस पैसे से मतलब रखते हैं, वो लोग जो जोनरा ग्रो कर रहा है उस जोनरा पे वीडियो बनाते हैं, और जब जोनरा ग्रो करना बंद कर देता है तो उनका चैनल भी ग्रो करना बंद कर देता है, क्योंकि वो जोनरा उन्होंने दूसरों को देखकर चेंज की। अब जैसे एनिमेशन चैनल खतरनाक स्पीड से ग्रो कर रहा है और खतरनाक तरीके से जिसे देखो वो एनिमेशन कर रहा है, चाहे उन्हें आती हो या ना आती हो, कोई रोस्टिंग में एनिमेशन घुसा रहा है, कोई गेमिंग में एनिमेशन घुसा रहा है। माना कि ये तरीके इनोवेटिव हैं, बट कोई भी कहीं पे भी कुछ भी दिखा रहा है और लोगों को दिखाते हैं कि वो भी एनिमेशन कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि तूने भी तो ये किया है। हाँ, मैंने भी ये किया है और इसे बनाया था, पर पिछली दो वीडियो से इसलिए मैं इसे शो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी थी। माना कि वो मेरी गलती है, लेकिन अब इसे आप भूल जाओ, ये अब नहीं आएगा। चीटिंग, तो बहुत लोग रियल में एनिमेशन करते हैं, जैसे कि आरजी, कीर्ति, और कुछ लोग नो मोमेंट एनिमेशन करते हैं लाइक इंटेलेक्ट एंड क्रिटिशन। इस तरीके में आप करेक्टर्स के पोजेस ड्रॉ करते हैं और फ्रेम में लगा देते हैं बिना कोई इंटरमीडिएट्स के। ये भी कुछ हद तक ठीक है, चलता है, लेकिन जो मैं करता था और भी लोग करते हैं, जिसमें आप इमेज गूगल से उठाओ और उसके ऊपर ड्रॉ करो और ये करेक्टर बना लो, ये लास्ट के दो मेथड्स वैसे ठीक हैं, पर आप इससे अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपने ट्रेंड को पकड़ के
ये जुगाड़ लगाया। तो वैसे भी आपका चैनल नहीं चलेगा, और अगर चल रहा है तो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप खुद हार मान लोगे। अब जैसे मैंने इसे छोड़ा है, आप भी जो ऐसा बिना मतलब के एनिमेशन डालता है वो एक काम करना छोड़ दो, क्योंकि बाद में आपको ज़्यादा पछतावा होगा कि यार मैंने ये क्यों बनाया, मैंने इतनी मेहनत क्यों की, मैंने इतना टाइम क्यों लगाया। और एनिमेटर्स की रेस्पेक्ट करो, क्योंकि वो इतना टाइम एंड एफर्ट देते हैं, क्योंकि वो उन्हें वो काम करने में मज़ा आता है। और दूसरी तरफ हम हैं जो सब कुछ एक दिन में करना चाहते हैं, वो भी नोकिया 1100 में, और वो भी बिना कोई इंटरेस्ट के। समरी, तो जिसे एनिमेशन में इंटरेस्ट है वो पहले मैंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई है उन्हें पहले डेवलप करने की कोशिश करो, और जिसे एनिमेशन में इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी वो एनिमेशन कर रहे हैं तो वो अपना कैरियर डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि एनिमेशन इज नॉट ए जोक। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और ये जानना है कि एल्गोरो ने मिस्टर लॉजिक को कैसे डिस्ट्रॉय किया, उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और डाउनफॉल अमित वडाना के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो।